आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश भर में धूमधाम से मनाया गया ईद का त्योहार, अमन चैन और तरक्की के लिए हुई दुआ। मुंबई में ट्रेन में विस्फोटक मिलने से दहशत, विस्फोटक के साथ मिले पत्र में बीजेपी सरकार की चर्चा। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने 8 मामलों को फिर से खोला, कुछ आरोपियों को लेकर जांच शुरू। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने बीजेपी को दिलाया भरोसा, अब अनुशासन में रहकर करूंगी काम। और बीजेपी नेता जयभान सिंह का बैग चोरी, तो रेत माफियाओं ने की पुलिस की पिटाई। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। शालीमार एक्सप्रेस में विस्फोटक मिलने से मुंबई में दहशत फैली हुई है। ये गाड़ी कोलकाता से मुंबई पहुंची थी। विस्फोटक सामग्री के साथ एक नोट भी मिला है जिसमें लिखा गया था कि विस्फोटकों को कुछ लोगों को सौंपने की जरूरत है, वे बीजेपी सरकार को दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक कुर्ला टर्मिनल पर कोलकाता से पहुंची शालीमार एक्सप्रेस में विस्फोटक मिलने से सनसनी फैली हुई है। नवी मुंबई में एक पुल पर आतंकी संगठन आईएसआईएस के संदेश लिखे जाने के एक दिन बाद हुई इस घटना से मुंबई में दहशत है। ट्रेन में विस्फोटक होने की खबर मिलते ही पूरे स्टेशन को खाली करा दिया गया है। प्रारंभिक जांच में बताया गया है कि ट्रेन में मिले बॉक्स में जिलेटिन की छड़ जैसी सामग्री मिली है। हालांकि पुलिस का कहना है कि बॉक्स के अंदर विस्फोटक पाउडर मिला है। धमाके के लिए तार और बैटरी भी बॉक्स में मिले। FSL टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बॉक्स में किस तरह के विस्फोटक हैं। इस घटना की महाराष्ट्र ATS भी जांच कर रही है। आतंकी करतूत की आशंका पर मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, यह बहुत खतरनाक है। विस्फोटकों को तार से जोड़ा गया था, अगर विस्फोटक आग के संपर्क में आता तो धमाके हो सकते थे। विस्फोटक सामग्री के साथ एक नोट भी मिला है जिसमें लिखा गया है कि विस्फोटकों को कुछ लोगों को सौंपने की जरूरत है, वे बीजेपी सरकार को दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए विस्फोटक रखने वालों के पता लगाने की कोशिश कर रही है। मंगलवार रात बादलों के बीच नजर आए चांद के बाद देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही शहर और कस्बों में ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। भोपाल के ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। भोपाल के शहर काजी जनाब मुश्ताक अली नदवी के ऐलान के बाद भोपाल में ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। ईद की नमाज और इबादत कर पूरी दुनिया के लिए अमन और चैन की दुआएं मांगी गईं। भोपाल के ईदगाह पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह, अभिनेता रजा मुराद, भोपाल के आवाम को ईद की बधाई देते नजर आए। ईदगाह पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के जाने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने टोपी लगाकर लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। दिग्विजय सिंह ने कहा, ईद प्यार और भाईचारे का त्योहार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस मौके पर पूरे देश को ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सभी देशवासियों, खास तौर से देश और विदेश के हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद मुबारक। रमजान के महीने के समापन का यह त्योहार परोपकार और भाईचारे की भावना में हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। यह शुभ दिन हम सबके परिवारों में खुशियां, शांति और समृद्धि लाए। आपसी भाईचारे के साथ देश की खुशहाली व आमनो चैन की दुआ के साथ रीवा में भी ईद की नमाज अदा की गई। घोघर ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। रीवा स्थित घोघर ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने हाफिज गुलाम मोहम्मद के इमामत में ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज में हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने अपने देश की तरक्की और आमनो शांति के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। महापौर ममता गुप्ता, कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मांगू सहित अनेक लोगों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी।
मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 8 पुराने मामलों को फिर से खोला है। इनमें से 5 मामले अकेले पीएमटी से संबंधित है। 3 प्रकरण पुलिस आरक्षक, परिवहन आरक्षक और वन आरक्षक भर्ती परीक्षाओं के हैं। हालांकि इन पुराने मामलों में पूरे प्रकरणों को फिर से नहीं खोला जा रहा है, बल्कि कुछ आरोपियों को लेकर जांच शुरू की जा रही। परिवहन आरक्षक में सभी नए नाम है जिनकी जांच एक बार फिर खोली जा रही है। सीबीआई ने 8 पुराने प्रकरणों को दोबारा खोलकर उनकी जांच शुरू कर दी है। इनमें पीएमटी 2009 और 2012 के दो दो, पीएमटी 2013 वन रक्षक भर्ती, 2013 पुलिस आरक्षक भर्ती, 2012 और परिवहन आरक्षक भर्ती 2012 के मामले हैं। पीएमटी 2012 और पीएमटी 2013 के मामले इंजन बोगी वाले परीक्षार्थियों व मूल आवेदकों के हैं। वहीं पीएमटी 2012 के जो मामले दोबारा जांच के लिए आए हैं उनमें अंकों की हेराफेरी और धोखाधड़ी के केस भी हैं। जिन प्रकरणों को सीबीआई ने जांच के लिए दोबारा खोला है उनमें पीएमटी 2013 के मामले में चिरायु पीपल्स इंडेक्स और एलन मेडिकल कॉलेज के संचालक भी आरोपी हैं। इसी तरह पीएमटी 2012 के मामले में पंकज त्रिवेदी, नितिन मोहिंद्रा, अजय कुमार सेन जैसे व्यापम के तत्कालीन अधिकारी आरोपी हैं। सीबीआई के पास अभी व्यापम के 11 मामलों की जांच और लंबित है। पूर्व मंत्री जयभान सिंह दिल्ली जा रहे थे, इसी दौरान उनका बैग ट्रेन में चोरी हो गया। चोर बैग से 47,000 रुपए और एटीएम कार्ड निकालने के बाद बैग को फरीदाबाद स्टेशन के पास फेंक गए। ट्रेन में सफर के दौरान मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके जयभान सिंह पवैया का बैग चोरी हो गया। वो दक्षिण एक्सप्रेस से ग्वालियर में दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान फरीदाबाद स्टेशन के पास एक बदमाश ने उनका बैग चुरा लिया। इस मामले में पूर्व मंत्री ने निजामुद्दीन जीआरपी में मामला दर्ज करवाया। चोरी की जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि एक युवक को फरीदाबाद स्टेशन पर बैग ले जाते देखा गया है। इसके बाद जीआरपी ने आसपास जांच की तो पवैया का बैग स्टेशन के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। उसमें से 47,000 नगद और एटीएम गायब था, जबकि दस्तावेज और कपड़े ऐसे के ऐसे ही रखे हुए थे। भोपाल से नवनिर्वाचित सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और कहा, जनता ने मोदी का काम देखकर उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाया है। किसान योजना को किसानों के लिए कल्याणकारी बताते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ है। साध्वी ने पार्टी के अनुशासन में रहकर काम करने की बात भी कही है। अक्सर विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जनता ने विकास को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी को जनता ने उनके कल्याणकारी योजनाओं के रहते दोबारा प्रधानमंत्री बनाया है। साध्वी ने कहा, मोदी सरकार किसानों के साथ है, प्रधानमंत्री किसानों के हित में काम कर रहे हैं। इस मौके पर भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र के किसान और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा विष्णु खत्री ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर को ज्ञापन दिया और किसान आभार पत्र सौंपा। साध्वी ने गोडसे पर दिए विवादित बयान पर कहा कि उन्होंने अनुशासन समिति को जवाब दे दिया है और वो पार्टी के अनुशासन में रहकर काम करेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी का अपना एक अनुशासन है, मैं उसके अंतर्गत काम करूंगी और करना भी चाहिए। अनुशासन में काम करूंगी, पार्टी के अनुशासन में काम करूंगी और होना ही चाहिए क्योंकि मैं पार्टी में आई हूँ, तो अनुशासन में काम करना है। अवसर जब आएगा और कोई ऐसी बात होगी मैं अवश्य मिलूंगी, मुझे कोई परहेज नहीं है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पार्टी के हैं। और नहीं, मैंने अपनी बात रख दी है और यदि आवश्यकता होगी तो कोई और विषय भी होंगे हमारे भोपाल के जो है विषय उनके लिए भी हमें मिलना है तो हम अवश्य मोदी जी से मिलेंगे। जैसे अभी ये आभार व्यक्त हुआ है मैं मोदी जी से मिलूंगी, उनको सौंपूंगी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कंप्यूटर बाबा नदी न्यास के अध्यक्ष बनने के बाद नर्मदा किनारे
आवली घाट पर पहुंचे और नर्मदा नदी का पूजन किया। कंप्यूटर बाबा ने कहा, नर्मदा में अवैध उत्खनन रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। मां नर्मदा मां शिप्रा मां मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा अपना पदभार ग्रहण करने के बाद रेहटी तहसील के प्रसिद्ध आवली घाट पहुंचे और मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। कंप्यूटर बाबा ने नर्मदा घाट की दशा देखकर चिंता जाहिर की। इसके बाद कंप्यूटर बाबा ने सनकनपुर मां विजयासेन धाम पर सीढ़ी दर्शन किए। बाबा ने बताया कि सभी नदियों के लिए और खासकर नर्मदा नदी के लिए विशेष अभियान चलाना है। अवैध उत्खनन सबसे बड़ी चुनौती है, हम अभियान चलाएंगे और इससे भी निपटेंगे। नर्मदा का काम करना है, नर्मदा में जो दोनों तरफ परिक्रमावासी जाते हैं उनकी सुख सुविधाएं रहें, उनको परेशानी ना हो, उनको रहने की व्यवस्था हो। नर्मदा कैसे बचे उसके लिए हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि नर्मदा कैसे बचे, अवैध खनन कैसे रोके जाए और उसके साथ में नर्मदा में अवैध खनन ना हो उसके लिए एक नर्मदा युवा सेना की तैयारी कर रहे हैं। साथ में एक हम लोगों ने टोल फ्री नंबर दिया है, मां नर्मदा टोल फ्री नंबर, उसकी हम लोगों ने आज घोषणा कर दी है कि उसके तहत जो भी नर्मदा में नुकसान पहुंचाएगा, अवैध खनन करेगा, उनकी जानकारी उस नंबर पे जब मिलेगी, जो रहवासी हैं, क्षेत्र के लोग हैं, गाँव के लोग, वो करेंगे तो तुरंत उसका एक्शन होगा, उस पर कार्रवाई होगी। नगर निगम के दफ्तरों में अब प्लास्टिक बैग और बॉटल्स का प्रयोग बंद किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल नगर निगम ने प्लास्टिक के इन सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भोपाल नगर निगम एक अच्छी शुरुआत करने जा रहा है। नगर निगम के दफ्तरों में अब प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल बंद होगा। निगम आयुक्त विजय दत्ता ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक का प्रतिबंध लगाने की बात कही है। दत्ता का मानना है, अगर निगम शुरुआत करेगा तो बाकी लोग भी समझेंगे। पर्यावरण को ठीक रखना है तो ऐसे प्रयास सभी को करना पड़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के भी आपको बधाई देते हैं। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, दो इम्पॉर्टेंट हम लोग जो कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक बॉटल्स को लेकर। आपको विदित होगा कि 3 दिन पहले नगर निगम भोपाल ने अपना एक आदेश जारी किया है, जिससे हम लोगों ने ये तय किया है कि नगर निगम के जितने ऑफिसेस हैं उनमें हम कहीं पे भी प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स है, उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। और जितने लेवल तक हो सकता है उतने लेवल तक प्लास्टिक के बैग्स और पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक ट्रांसपेरेंसी जो हम लोग फाइल्स में यूज़ करते हैं उनको भी हम लोग अवॉइड करेंगे। इसके बाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी ऑर्डर आ गया, जो आप सभी ने देखा है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया। इसी उपलक्ष्य में और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कैंपेन शुरू किया है, जिसमें बॉटल्स और बैग्स के उनके यूसेज को कम करने के लिए कर रहे हैं। इसको हम लोग कैरी योर ओन बैग और कैरी योर ओन बॉटल कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे इसको काफ़ी, क्योंकि हम इसमें कॉलेजेस को सबसे पहले इन्वॉल्व करने वाले हैं, स्टूडेंट्स को सबसे पहले इन्वॉल्व करने वाले हैं, उनके द्वारा हम सोशल मीडिया के थ्रू भी संदेश जारी करेंगे। इसीलिए हमने जो हैशटैग का चलन है उसी को किया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको ट्रेंड होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है। और स्वच्छता के लिए, जैसे हम सभी जानते हैं, उसमें हमारे लिए प्लास्टिक रिडक्शन के लिए सोशल बिहेवियर जो है, बिहेवियर चेंज पे हमें फोकस करना है, तो उसी पहलू को हम लेते हुए इसमें आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि शहर के विभिन्न पॉइंट्स पे हमने होर्डिंग्स लगाए हैं CYOB के, उसके साथ ही सभी जितने यहाँ पे मॉल्स हैं, जितने स्टोर्स हैं, जितने मल्टीप्लेक्सेस हैं, उन सभी को हम लेटर्स भी लिखेंगे कि जितना हो सके उतना बॉटल्स का रिडक्शन करें और ग्लासेस से वाटर सप्लाई करें। इसके साथ ही सिटीजन से अनुरोध है कि जब भी शॉपिंग के लिए जाए तो अपने घर पे एक बैग रखे, उसी को साथ में रखे, गाड़ी में उसको साथ में लेके चले। इससे औसत अगर हम देखें तो एक महीने में अगर एक व्यक्ति ऐसा करे तो 2 से 3 किलो का उसका प्लास्टिक यूसेज बिल्कुल होता है, पर कैपिटा यूसेज जो कम हो सकता है। उसी तरह जब हम बाहर जाते हैं, कई जगह पे वाटर सप्लाई होता है, वाटर प्रोवाइड करते हैं पीने के लिए, अगर हम अपना बॉटल साथ में लेके चले तो उसको रिफिल करते हुए भी हम लोग अच्छे से जो है रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स हम कर सकते हैं। तो आशा यही है कि आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी हमारा साथ दें इस पहल में। भोपाल में प्रतिदिन 2 ट्रक प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, यह जमीन के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में सुधार की शुरुआत नगर निगम ने अपने यहाँ। मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि इन लोगों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। रेत खनन माफियाओं को गाड़ी रोककर जांच करना इतना नागवारा गुजरा कि उन्होंने
पुलिस टीम की बुरी तरह से पिटाई कर दी। रेत खनन माफियाओं ने पुलिस कार्यवाही के दौरान पुलिस वालों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला गाडरवारा का है, जहां खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी दौरान खनन माफियाओं ने पुलिस कार्रवाई करने पर एसआई समेत अन्य स्टाफ पर जानलेवा हमला किया। गनीमत रही कि इस हमले में सीहोर चौकी प्रभारी कृष्णा मावई बाल बाल बच गए। जैसे ही इसकी सूचना गाडरवारा टीआई रामफल ठाकुर को मिली, उन्होंने तत्काल कार्रवाई कर 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है और जेल भेज दिया है। अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बोरा बोहानी युद्ध थाना क्षेत्र, वहाँ के थाना प्रभारी के साथ मारपीट का कोई मामला आया, उस बारे में थोड़ा सा बताओ। जो हमारे चौकी प्रभारी हैं कृष्णा मावेल, ये रेत परिवहन के संबंध में कार्रवाई करने गए थे, तो वहाँ पर उनको एक डंपर मिला, जिसको रोका तो रुका नहीं, फिर उन्होंने अपने स्टाफ के साथ इसका पीछा किया तो वो करेली तरफ मुड़ गया। करेली से फिर वो मुड़ के गाढ़ावारा तरफ आया और लगातार वो पीछा करते रहे। फिर एक कॉलोनी में जाके डंपर उसने खड़ा किया और वहाँ से जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे वहाँ जाके वो बैठ गया होगा। थाना जो चौकी प्रभारी है वो पीछा करते करते वहाँ पहुँचे तो वहाँ रमाकांत कौरव को जब वो वहाँ से ले जाने लगे तो कुछ लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, संजय कौरव, अजब सिंह वगैरह, इनने विरोध किया। इसके विरोध में पुलिस के साथ उनने झूमा झटकी भी की और मारपीट भी की, लेकिन था जो चौकी प्रभारी ने उनको पकड़ने में पूरा प्रयास किया और पकड़ कर भी लाए। तत्काल सूचना देने पर थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ श्री रामफल जी पहुंच गए थे और पकड़ के लेकर आए और कार्रवाई किया है। मुख्य आरोपी रमाकांत कौरव बताया जा रहा है, जो कि काफी लंबे समय से अवैध खनन की गतिविधियों में लिप्त था। पुलिस टीम पर हुए जानलेवा हमले से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। पुलिस पर हुए हमले के क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है और आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। जबलपुर के बेलबाग इलाके में युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। बेरोजगार युवाओं को कंपनी का मालिक बनाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया है। राहुल राज चौहान पर बेलबाग थाने में अजय और कई युवकों ने ठगी का आरोप लगाया है। आरोपी राहुल ने अजय के नाम पर कंपनी खोलने का झांसा देकर उसे फंसाया। कुछ दिनों बाद अजय के अकाउंट पे पैसे आना शुरू हुए और राहुल ने निकाल लिए। कुछ दिन बाद अजय को फोन आना चालू हो गए। जब उसे पता चला कि उसके साथ अकाउंट में धोखाधड़ी का पैसा जमा करवाया जा रहा है, उसके बाद अजय ने राहुल की तलाश शुरू की और थाने जाकर इसकी FIR दर्ज करवाई। जॉब सर्च कर रहे थे, मुझे बोला कि मैं आपको जॉब दूंगा, जिसमें इसकी एक कंडीशन थी जॉब करने के लिए। इसने बोला था आपके अकाउंट खोला जाएगा और आपके नाम की कंपनी खोली जाएगी। तो मैंने बोला भैया आप अकाउंट और कंपनी आप अपने नाम से भी खोल सकते हैं, मेरे नाम से भी खोल रहा। बोलते आपका अभी जॉब करना तो आप इसको कंपनी में कर सकते, बस अन्यथा नहीं कर सकते। उस समय एक्चुअली क्या था, मेरा लास्ट टाइम मेरी शादी भी लग गई थी, मैरिज लग गई थी, इसमें 8-9 महीने से मेरे पास कोई जॉब नहीं था, जिसमें जॉब नहीं रहने के कारण मुझे जॉब करना पड़ा इसके कारण। और ये इसने अकाउंट पूरे खुलवाने ये पैसा खुद निकालने आता था। इसने पूरे 3 अकाउंट से मेरे 40 लाख। सर ये राहुल राज चौहान, सर ये एजेंट है, सर ये खाता खुलवाता है कई कंपनी में जाकर। सर इसने orange.com में ऐड डाला था, ऐड डालने का इसने कांटेक्ट करने का तो मैंने कांटेक्ट नहीं किया, फिर इसने खुद मुझे कांटेक्ट करके इसने मुझे बुलाया था। बुलाने के बाद में उसने मुझे कंपनी की कंडीशन पूरी बताई थी। इसने अजय की माने तो राहुल ने सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि जबलपुर के सैकड़ों युवाओं के साथ इस तरह की ठगी का करोड़ों का चूना लगाया है। स्थानीय पुलिस ने आरोपी राहुल की गिरफ्तारी कर मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जबलपुर महोदय के कार्यालय से एक शिकायत करता है अजय कुमार अधिकार, इनने एक शिकायत आवेदन पत्र पेश किया था श्रीमान के समक्ष। उस पे शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा ये बताया गया था कि उसका किसी
राहुल अविनाश सिंह राठौर नाम के व्यक्ति से ओएलएक्स के माध्यम से एक जॉब सर्च कर रहा था आवेदक, उस पर इनका नाम मिला था अविनाश सिंह राठौर। उस दौरान उसमें कुछ ऑफर पड़े हुए थे नौकरी को लेके जब ऑफर पड़े हुए थे तो आवेदक अजय अधिकार हैं, इनकी मुलाकात हुई अविनाश सिंह राठौर नाम के व्यक्ति से। उस बीच में इनकी एक आध बार चर्चा भी हुई होगी विजयनगर क्षेत्र शहर के और भी जगहों पे हुई थी, कुछ वेलवा के लकड़गंज के क्षेत्र में भी हुई थी। जब आवेदक का आरोपी से संपर्क हुआ तो उसके द्वारा अपने आप को एक बैंक किसी कंपनी का अधिकारी बताया था और नौकरी देने की बात हुई थी इन दोनों के बीच में। फिर जब आवेदक और आरोपी की बात हुई तो इसके द्वारा आरोपी के द्वारा कुछ शर्तें रखी गई कि इन इन शर्तों को जब आप पालन करेंगे, इनको पूरा करेंगे तो आप हमारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, नौकरी कर सकेंगे। प्रथमतः आवेदक द्वारा पहली बार में उसको इंकार कर दिया गया, लेकिन चूंकि आवेदक बेरोजगार है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो इसने दोबारा जब संपर्क किया आरोपी से तो उसको फिर से उसने अपने झांसे में लेकर, उसको अपनी बातों को लेकर, पता नहीं कैसे भी टैकल किया होगा आवेदक को अपनी बात पर लेकर, उससे कुछ बैंक अकाउंट खुलवाए थे। एक बैंक अकाउंट है इनका सेंट्रल बैंक चेरीताल में, दूसरा है केनरा बैंक ऑफ इंडिया गंजीपुरा में, तीन बैंक अकाउंट खुलवाया आरोपी द्वारा। फिर इनने जब इनका टाइप हुआ, बातचीत हुई, तो इनको इनके द्वारा आरोपी द्वारा कहा गया कि मैं एक कंपनी खोलूंगा आपके नाम पे, आपको उस पर मैनेजर के पद पे नौकरी दी जाएगी। उसके लिए बाकायदे इन लोगों ने एक दुकान हायर की है माड़ोताल थाने में, आईएमटी सर्विस के नाम से उस पर बोर्ड लगा हुआ था। अभी तक ने उसके फोटोग्राफ भी पेश किए थे शिकायत के दौरान। उसपे बीच बीच में जब खाता खुल गया, पैसे आने लग गए, तो आरोपी द्वारा आवेदक को बीच बीच में बुलाया जाता था बैंक, उसके खाते से पैसे निकाले जाते थे। इसी बीच में आवेदक द्वारा ये पूछा गया, अभी मेरे संज्ञान में केवल एक ही है और इसके स्टेटमेंट में कोई शशांक विश्वकर्मा है, उनके स्टेटमेंट होने अभी शेष है, जैसे आते हैं उनके स्टेटमेंट, लगभग 40 लाख रुपए की ठगी अभी वो पूछताछ की जा रही है, बैंक अकाउंट खंगाला जाएगा उसका और दूसरे सोर्स। वहीं आरोपी की पत्नी उपमा चौहान का कहना है कि उनके पति निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। कुछ भी नहीं बता रहे मुझे, उनके बोल रहे हैं कि मतलब कि किसी का मतलब लोन करवाया 1 करोड़ का, ऐसा करा है, उनके ऊपर फर्जी बता रहे हैं। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। राहुल राज सिंह चौहान सर वो निर्दोष है, मैं बस इतना जानती हूँ कि उनको छोड़ देना चाहिए, उन्होंने गलत नहीं किया है सर। अगर इतना पैसा आता घर में तो कुछ न कुछ तो दिखता हमको, आज हम पैदल यहाँ पे ना आए होते। अगर 1 करोड़ का इनका करा होता घपला तो इतना पैसा घर में तो रहता। उस दिन भी आपसे पूछा था कि मुझे आप बताइए क्या बात है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं उनसे क्या पूछूं, जब मैं उनसे कुछ पूछती हूँ तो वो कुछ बताते नहीं मुझे, तो अब मैं क्या उनसे पूछूं। बेलवार थाने सही है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बस फोन आया कि आपके हस्बैंड को पुलिस लेके गई है। तो पुलिस वाले का फोन आया था या किसी को? अरे इनके एक दोस्त थे कोई, उनका फोन आया तो उन्होंने बताया कि वो बेलवार थाने से पुलिस लेके गई है, तो मैं सीधे भाग के आई हूँ यहाँ। पेंशन तथा एरियर की मांग को लेकर कृषि महाविद्यालय रीवा के रिटायर्ड वर्क मिस्त्री ने कलेक्टर कार्यालय भवन में ज्ञापन सौंपा और कृषि मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। रिटायर्ड मिस्त्री के घर की हालत ठीक न होने के बाद परिवार पाई पाई को मोहताज है। सांसदों और विधायकों को भारी भरकम पेंशन, मगर 38 साल सरकार को सेवा देने वाले कर्मचारियों को पेंशन के नाम पर दर दर भटकना पड़ रहा है। मामला रीवा का है, जहां कृषि महाविद्यालय में विगत 38 वर्षों से पदस्थ वर्क मिस्त्री आरजी मिश्रा को रिटायर होने के बाद पेंशन तथा एरियर नहीं दिया जा रहा है। इस मांग को लेकर पिछले कई दिनों से रिटायर्ड वर्कर मिस्त्री इधर उधर भटक रहे हैं। मिश्रा का कहना है कि उन्होंने विगत 6 माह के भीतर बहुत से बड़े बड़े नेताओं तथा अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है, जिसके कारण अब आर्थिक तंगी से उनके घर की स्थिति भी गंभीर होती जा रही है, परिवार पाई पाई का मोहताज हो रहा है। मिश्रा ने बताया कि उन्होंने मामले पर कई दफे कलेक्टर रीवा से भी बात की, लेकिन उन्होंने कृषि मंत्री के नाम का ज्ञापन भी लेने से इनकार कर दिया। और 20 से 2017 को रिटायर हो गया, उसके कारण प्रशासन ने आधे लोगों को पेंशन दिया और आधे लोग बता दिया नहीं अपने घर, उनको बढ़ने की स्थिति आ रही है। अब कहा जा सकता है, कहाँ जाए? पूरे जितने मंत्रिमंडल थे, विधायक,
सबको जिनका नाम दिया, सबको दिया, राज्यपाल को दिया, पत्र जाते हैं वहाँ से उनकी झूठी रिपोर्ट बताई जाती है, नियम नहीं है। सी एम हेल्पलाइन को दिया, वहाँ भी झूठी रिपोर्ट आती है, नियम नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई नहीं पूछ सका कि वह क्या नियम है, क्यों नहीं दे रहे पैसा। प्रशासन से एक पत्र आया, सुहाई ने लिखा कि आप हमको भ्रमित कर रहे हैं। उसके बाद यदि बच्चा भी आपको पेंशन दे रहा है तो नियम है, पेंशन क्यों नहीं दे रहे। लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन आज अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश इस वक्त गर्मी की चपेट में है। 7 जिलों में तापमान 47 डिग्री पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिन तो दिन, रात में भी गर्म हवाएं चल रही हैं। प्रदेश के 7 इलाके बुरी तरह से तप रहे हैं। दमोह, नौगांव, गुना, खजुराहो, सागर, शोयपुर कला और रायसेन में तापमान 47 डिग्री पर अटक गया है। प्रदेश के 10 जिलों में होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, उमरिया, मंडला, शाजापुर, राजगढ़ में तापमान 45 डिग्री रहा। मध्य प्रदेश के 75% स्थानों में लू चल रही है। रीवा संभाग मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। मानसून भी 20 से 25 जून तक मध्य प्रदेश में आमद देगा। गर्मी से तो फिलहाल अभी कोई राहत की संभावना नहीं दिख रही है। जो टेम्परेचर है इंदौर डिवीजन में थोड़ा सा जो है 45 से कम है, और बाकी पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है। और 2-3 ऐसे जगह हैं जहां पर 47 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, जिसमें आपका दमोह, रायसेन और सागर रहा है। तो हीट वेव से लेकर सीवियर हीट वेव की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में बनी हुई है, और आगामी 24 घंटों में ये स्थिति जो है कंटिन्यूस होने की संभावना है। भोपाल के टेम्परेचर भी जहाँ तक सवाल है, इंक्रीज तो नहीं होगा, 44 से 45 के बीच आज हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण थोड़ा सा टेम्परेचर जो है डाउन साइड ही रहेगा। और रही बात राहत की, तो जो जब तक मानसून एडवांसमेंट नहीं होगा या आनसेट जो पहले केरला होगा, मॉइस्चर आएगी तो कन्वेक्टिव एक्टिविटी जो है पूरे मध्य प्रदेश में होगी। और ये हमारा अनुमान है कि आगामी 10 दिन के बाद ही जो है ये स्थिति हो सकती है। तो कमोबेश जो है आगामी 10 दिन तक टेम्परेचर जो है अच्छा रहेगा, टेम्परेचर जो ज़्यादा रहेगा हीट वेव की स्थिति रहेगी। जैसे हमने आज भी किया तो ये अभी तो सीवियर हीट वेव जो है, जैसे हमने बताया कि सागर है, दमोह है, रायसेन है, यहाँ पर जो है सीवियर हीट वेव रहेगा। और आज फिर हमारा अनुमान है कि इंदौर संभाग में चूँकि विंड पैटर्न उसका थोड़ा सा जो है दूसरा है, तो वहाँ टेम्परेचर दूसरे दिन से तो ज़्यादा है, लेकिन हीट वेव की स्थिति वहाँ नहीं रहेगी। कुल मिला के इंदौर डिवीजन को छोड़कर पूरी प्रदेश में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब भैरन समाचार सुनाएंगे आपको जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, ये तो गर्मी है ना, लपक के पड़ रही है, 65 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्री मानसून में कुछ बारिश ही नहीं हुई, बताओ। ये दिमाग चटके जा रहे लोगों के, बता रहा हूँ। अब ये गर्मी पड़ रही है, बता रहे हो, लोग हैं नए नए हैं ना तरीके से निपटने के ढूंढ रहे हैं। सिंगापुर में बस की छत पे ही ने पेड़ उगा दिए, उससे 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, बता रहे हो। हमें भी ऐसे कुछ सोचना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ पेड़ लगाओ भैया, जो पेड़ काटे जा रहे हो ना, वो जो गाड़ियाँ बढ़ा रहे हो, पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, उससे है ना यही होने वाला है। आगे चल के है ना पिघल जाएंगे भाई, सड़क पर निकले वहीं पिघल गए 2 आदमी, ये सी खबरें आएंगी फिर। हाँ भैया, खबर ये देख लो, ये पाकिस्तानी अपनी ये पुरानी आदतों से बाज नहीं आता, पूरे बदतमीजियाँ हैं बर्दाश्त, इनको चलते ही रहता है बदतमीजियाँ। ये भाई इफ्तार पार्टी हो रही थी भारतीय उच्चायोग में, वो वहाँ पे मेहमानों से बदतमीजी कर दी, बताओ इनने। और मेहमान भी तो इनके ही होंगे, इनको शर्म आती नहीं, बता रही। ये रमजान का महीना चल लिया है, ये थी हरकतें कर रहे हैं। और ये खबर ये देख लो, कर्मचारी भविष्य निधि में आदमी अपना किया पूरी मेहनत करता है जिंदगी भर, ये पैसा इकट्ठा करता है, वो उसके एक अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा, बताओ CBI का, ये 5 लाख निकले, बता रहे हो। ये कुछ तो मतलब क्या समझने क्या चल रहा है। और बिहार में देख लो आप, बिहार में जो नीतीश कुमार है उनने बदला ले लिया, उनको वहाँ सेंटर में वो नहीं मिली मिनिस्ट्री उनकी पार्टी को JDU को, तो इन्होंने अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था वहाँ पे बिहार में, तो इन्होंने भाजपा को कोई सीट नहीं दी अभी, ये तो चल रहा है बस टेट फोर टेट। हाँ, और ये खबर ये देख लो, दक्षिण चीन सागर में और ताइवान में ये जो अमेरिका का इंटरफियरेंस बढ़ रही है, और चीन भुनभुना रही है इस पर,
और चीन की दादागिरी चल रही है तो वो उसको ख़त्म होने वाली है। उस चक्कर में चीन कह रहा है अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये तो काम लालच वाले काम करते क्यों, ये अपना अपने देश में काम करो, अपनी अपनी जगह पर रहो तो युद्ध नहीं हो। हाँ, और ये खबर ये देखो लोकल खबर, JP हॉस्पिटल में फर्स्ट पे डिलीवरी हो गई। और मैं बता रहा हूँ डॉक्टर हैं ये, नर्स हैं ये लोग, ये जल्लाद हो रहे हैं क्या ये? अरे कुछ तो ईमान रखो अपना, ये बता रहे हैं ये ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। ये लोगों के भले करने के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगाई है वहाँ पे, कुछ तो देखो। और वर्ल्ड कप में तो देखो ऐसे लपक के बांग्लादेश ने ऐसा आगाज किया, 330 रन ठोक दिए कल, और साउथ अफ्रीका को निपटा दिया, बता रहे हो। और साउथ अफ्रीका तो बेचारा ये अभी ये दो मैच हार चुका लगातार, वो अभी तीसरा इंडिया से होने वाला है 5 जून को, वो भी पर्यावरण दिवस मनाएंगे इंडिया वाले, बता रहे हो। हाँ, इनका बुरा हाल हो रहा है। और मैं भी चला भैया मैच देखने, अब टाइम हो गया। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।